लूसीफर के अब तक के एपिसोड में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कैसे डेविल का बहुत शानदार वाला एक्शन सीक्वेंस हम लोगों को देखने को मिला, जिसके बाद में इस वेब सीरीज की मेन लीड यानी कि क्लोई डेकर को भी डेविल के बारे में पता चल चुका है। लूसीफर में अब तक के सीजन में कई न्यू मेंबर्स आए हुए हम लोगों ने पहले भी देखे हैं। इसी के साथ में इस एपिसोड में भी गाइस हम लोगों को एक न्यू मेंबर देखने को मिलेगी जो कि काफी स्पेशल होने वाली है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग एला को देखते हैं जो कि काफी जॉली नेचर की लड़की है और अपने हर कलीग से काफी अच्छी तरीके से बात करती है, जो कि क्राइम सीन पे पहुंची थी। और यहाँ पे आने के बाद ये लूसीफर और क्लोई को डिटेल देती है कि इस लड़की का नाम डॉक्टर बेथ है जो कि एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट है। यहाँ क्लोई एला से डॉक्टर बेथ के मरने की वजह पूछती है, जहाँ एला पूरी तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसका पैर फिसला होगा, कि यहाँ बुक शेल्फ के अंदर बुक को सपोर्ट देने का एक चीज रखी होती है, ये चीज यहाँ से गायब है। उसके बाद में इन खिलौनों पे से डॉक्टर बेथ का पैर फिसला होगा और वो सीधा टेबल से टकरा के नीचे गिर पड़ी होगी, जिसके बीच में एला को एक कॉल भी आता है और ये कॉल उसके भाइयों का था। एला डेट्रॉय में रहती थी, जिसके बाद में क्लोई और लूसीफर एला से पूछते हैं कि तुम्हारा चेहरा क्यों लटक गया, तो एला बताती है कि मेरे सारे फैमिली एले आए थे, लेकिन इसके बाद में ये सभी लोग डेट्रॉय वापस जा चुके हैं और अब ये लोग चाहते हैं कि मैं भी वापस चली जाऊं। जहां क्लोई और लूसीफर दोनों ही नहीं चाहते थे कि एला फिर से अपने घर चली जाए। यहां एला को डॉक्टर बेथ के नाखूनों में से कुछ बालों का गुच्छा और इसी के साथ कुछ लिक्विड मिलता है, जिसके बाद में एला कहती है कि शायद इसे लैब में ले जाने के बाद ही इसके बारे में पता चलेगा। यहाँ पे एक और आई विटनेस है जिसने ही डॉक्टर बेथ के बारे में बताया था। इस लड़की का नाम बकेट विल्सन था, जिसे डैन अपने साथ में लेके जा रहा था। यहाँ पे बकेट काफी ज्यादा रो रही थी, इसी कारण डैन उसे कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं करता और सिर्फ यही कहता है कि क्या तुमने मर्डरर को देखा था, तो बकेट यहाँ पे मना कर देती है, जिसके बाद में डैन उसे सिर्फ यही कहता है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। यहाँ एला जब इन्वेस्टिगेशन करके डॉक्टर बेथ के ऑफिस से निकल रही थी कि तभी सामने वाले डोर पे उसे कुछ निशान दिखता है। जब एला उस दरवाजे को खोलती है तो उसमें एक छोटा बच्चा निकलता है जिसका नाम फिलिक्स था। और अब यहाँ पे फिलिक्स के पेरेंट्स भी क्राइम सीन पे पहुंच चुके थे, जहाँ इसके फादर का नाम एंथनी था और वो बताते हैं कि फिलिक्स को वायलिन बजाना बहुत पसंद था और वो डॉक्टर बेथ को भी बहुत पसंद करता था। वो ज्यादा बच्चों से बात नहीं करता था, इसी कारण हमने उसे डॉक्टर बेथ के पास में थेरेपी लेने के लिए भेजा था, लेकिन फिलिक्स इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। इसके बाद में यहाँ फिलिक्स की मॉम भी पहुंच जाती है और यहाँ पे फिलिक्स के डैड उसकी मॉम को कहते हैं कि हमें फिलिक्स को यहाँ से घर ले जाना चाहिए। क्लोई यहाँ पे फिलिक्स के पेरेंट्स को कहती है कि अगर ये कुछ भी बोलता है तो आप लोग मुझे जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। यहाँ पे एला अपने लैब में काम कर रही थी कि तभी उसके पीछे एक लड़की आ जाती है, जिसे एला पहले से ही जानती थी और उसका नाम लेके बुलाती है कि रेरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि तुम आज के बाद मेरी लाइफ में कभी नहीं आओगी। तो यहाँ पे रेरे कहती है कि मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी, इसी कारण मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। तो एला कहती है कि भले तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आ रही हो, लेकिन मैंने कहा था कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी, तुम मेरे लाइफ का सबसे बुरा ड्रीम हो, तुम्हें भुलाने के लिए न जाने मैंने कितनी थेरेपीज ली है, यहाँ तक कि लोग मुझे पागल भी मानने लग गए। जब एला रेरे से बात कर ही रही थी कि तभी यहाँ पे क्लोई पहुंच जाती है, लेकिन क्लोई को एला के सामने कोई नहीं दिखता है। इस बात से हम लोगों को पता चलता है कि रेरे इनविजिबल है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एला को दिखती है, जिसके बाद में एला क्लोई को कहती है कि मैं तो बस यूं ही अपने आप से बातें कर रही थी। बात बदलने के लिए एला क्लोई को बताती है कि विक्टिम के नाखूनों में से जो बाल मिले थे वो ऐसे बाल है जो कि काफी प्रोडक्ट बनाने में यूज किए जाते हैं और इसी के साथ जो लिक्विड मिला था वो कैचअप का लिक्विड था। क्लोई ये बात सुन के तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन एला फिर से रेरे से बात करती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे लोग मुझे फिर से पागल कहें। तो रेरे यहाँ पे कहती है कि मैं बस मेरे काम से यहाँ पे आई हूँ और मेरा कोई पर्सनल काम था, इसी कारण मुझे वापस आना पड़ा। जिसके बाद में एला कहती है कि इसका मतलब है तुम डॉक्टर बेथ को जानती हो और इसी पर्सनल काम को करने के लिए तुम यहाँ पे आई हो, तो तुम मेरे साथ में चलो और क्यों ना हम दोनों मिलके इस केस को सॉल्व करें ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए जा सको। यहाँ डैन पहुँचता है लूसीफर से मदद लेने के लिए। डैन यहाँ पे लूसीफर को बताता है कि बकेट भाग चुकी है, वो भी मेरा मोबाइल फोन लेके। इस बात पे लूसीफर बहुत हंसता है और कहता है कि इसका मतलब मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, यानी कि एक छोटी सी बच्ची ने तुम्हें पागल बना दिया। दूसरी तरफ एला और क्लोई मिलके फिर से डॉक्टर बेथ के घर पे पहुंचते हैं, जहाँ पे शायद उन्हें कुछ एविडेंस मिल सके। एला रेरे को कहती है कि तुम बस किसी को दिखना मत। रेरे यहाँ पे कोई बात बोलती है, जिसके बाद में एला कहती है श्श। तो क्लोई कहती है कि तुम आखिर किससे बात कर रही हो। तो एला कहती है कि नहीं नहीं बस मेरे पैर में चोट लग गई थी। यहाँ क्लोई कहती है कि मैं ऊपर चेक करके आती हूँ, तुम नीचे चेक करो। जब एला और रेरे नीचे के रूम में चेक कर रहे थे कि तभी इन्हें कबर्ड के अंदर एक फरी सूट मिलता है और तभी यहाँ पे क्लोई भी पहुंच जाती है, जो कि इस फरी सूट के बारे में एला से पूछती है। एला बताती है कि विक्टिम के नाखूनों में जो बाल मिले थे वो इसी फरी सूट के थे। यहाँ क्लोई को भी एक चीज मिलती है जिसके अंदर एक रिकॉर्डिंग थी। यहाँ एक लड़की डॉक्टर बेथ को बोल रही थी कि तुम वेस्ली से दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और इसी के साथ ये लोग एक इवेंट के बारे में बात
बात कर रहे थे जिसके बारे में एला को पहले से ही पता था। यहाँ क्लोई इसी इवेंट में यही ड्रेस पहन के चली जाती है कि शायद ये इस लड़की और वेस्ली नाम के लड़के को पकड़ सके। यहाँ हर जगह क्लोई वेस्ली नाम के लड़के के लिए पूछताछ करती है, जहाँ एला रेरे से कहती है कि तुम अगर डॉक्टर बैथ को जानती हो तो हमारी मदद करो, शायद तुम्हारी मदद करने से जल्दी हम लोग मर्डरर तक पहुँच पाए। तो रेरे कहती है कि भूतों की दुनिया में ये चीज पॉसिबल नहीं है और ना ही मैं उसे कनेक्ट कर पा रही हूँ। जिसके बाद में एला कहती है कि तुम डॉक्टर बैथ को जानती ही नहीं हो और तुम मुझसे इतनी देर से झूठ बोल रही हो। तो रेरे फिर से एला को बिलीव दिलाती है कि नहीं, मेरा बस उनसे रिलेटेड ही काम है। तो एला को लगता है कि अगर शायद तुम्हारा काम उनसे रिलेटेड है और अगर मैं ये काम करा पाऊँ तो तुम्हारी सोल को शायद मुक्ति मिल पाए और तुम हमेशा के लिए शांति से जा पाओ। यहाँ रेरे भी एला की कही हुई बातों में हामी मिला देती है और कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जहाँ दूसरी तरफ क्लोई को एक जोरदार का पंच मिलता है जिसने की एक दूसरा फरी सूट पहना होता है। क्लोई को समझ में ही नहीं आता कि आखिर कोई लड़की उसे मार क्यों रही है, लेकिन क्लोई कहाँ कम थी, वो भी दूसरी वाली लड़की को पटक पटक के मारती है कि तभी क्लोई उस लड़की के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि तुम्हें अरेस्ट किया जाता है, मैं LAPD से हूँ। यहाँ इस लड़की को लेके आया जाता है इन्वेस्टिगेशन रूम में और इसे पूछताछ की जाती है कि तुम आखिर वेस्ली का नाम ले रही थी और डॉक्टर बैथ को तुम कैसे जानती हो। जहाँ पे ये लड़की बताती है कि वेस्ली कोई इंसान नहीं है बल्कि ये एक ओरिजिनल कैरेक्टर है, डॉक्टर बैथ ने मेरे सूट की कॉपी की थी और उसके बाद में वो उसे यूज करने लग गई, जबकि हमारी कम्युनिटी में ऐसा करना बहुत गलत माना जाता है। इसी कारण मैं डॉक्टर बैथ से गुस्सा थी और इसी कारण मैंने उसके ऊपर कैचअप ढोला था। जिसके बाद एला को पता चलता है कि कैचअप यहीं से मिला था। ये लड़की बताती है कि डॉक्टर बैथ का कुछ दिनों पहले किसी से झगड़ा भी हुआ था। जहां क्लोई पूछती है कि क्या तुम उस बंदे का नाम जानती हो, लेकिन ये लड़की यहां पे ज्यादा कुछ खास जानती नहीं है। जहां दूसरी तरफ लूसीफर और डैन निकल जाते हैं बकेट विल्सन को पकड़ने के लिए, जहां इनको बकेट विल्सन मिलती है एक रोलर कोस्टर में राइड करती हुई। यहां जैसे ही डैन बकेट को पकड़ने के लिए आता है कि बकेट तो वहां से भाग जाती है, लेकिन बेचारा डैन वहीं पे फंस जाता है। लूसीफर कहता है कि तुम राइड एंजॉय करो, मैं इसे पूछताछ कर लूंगा। यहां दूसरी तरफ एला को लगता है कि शायद डॉक्टर बैथ के ऑफिस के अंदर कुछ चीजें और छूट रही है, हम अगर वहां पे जाके देखें तो जरूर मर्डरर अपनी उन चीजों को लेने के लिए आया होगा, तो हम ऐसे ही एविडेंस को कलेक्ट भी कर सकते हैं। यहां एला और रेरे दोनों जब इस जगह पे पहुंचते हैं कि तभी यहां पे एक आदमी नकाब पहने पहुंच जाता है। यहां एला रेरे से बात करती है कि मुझ पे कोई बिलीव नहीं करेगा कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि भूत है, इस बात को सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली वालों ने एक्सेप्ट किया है। जिसके बाद में रेरे कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं एला, तुम अगर एक बार उन्हें बता के देखोगी तो शायद वो तुम्हारी बातों पे बिलीव करेंगे। जिसके बाद में रेरे एला को ये भी कहती है कि मैं तुम्हारा काफी दिनों से ध्यान रख रही थी, इसी कारण मुझे पता चला कि तुम डेट्रॉय जा रही हो। ये बात सुन के एला भड़क जाती है और कहती है कि मेरा डेट्रॉय जाने से तुम्हारा क्या लेना देना। तो रेरे बताती है कि वहाँ पे तुम्हारी कोई भी कदर नहीं करता है बल्कि सब जने तुम्हारा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ एले के अंदर सभी लोग तुम्हारी परवाह करते हैं, खासकर तुम्हारे यही दोस्त। ये बात सुन के एला को काफी अच्छा लगता है कि शायद कोई तो है जो उसकी परवाह करता है और उसे एले रुकने के लिए फोर्स कर रहा है। और तभी यहाँ पे एक आदमी पहुंच जाता है जिसकी आहट एला सुन लेती है। एला यहाँ पे एक कबर्ड के पीछे छुप जाती है, लेकिन एला से एक आवाज हो जाती है, इसी कारण ये नकाब पहना आदमी एला को देख लेता है और एला को मारने के लिए हाथ में एक झाड़ू उठा लेता है। यहाँ एला बचने की कोशिश करती है, लेकिन ये आदमी एला को बिना मारे ही वहाँ से भाग जाता है। जहाँ रेरे एला को कहती है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया, तो एला कहती है कि मैंने उसे पकड़ लिया, यहाँ उसके फिंगरप्रिंट्स हमें मिल चुके हैं। इधर डैन जब लूसीफर के पास में वापस आता है एक रोलर कोस्टर की राइड करके, तो लूसीफर काफी ज्यादा हंस रहा होता है क्योंकि डैन को रोलर कोस्टर बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ लूसीफर कहता है कि बकेट तो बहुत अच्छी लड़की है, हम लोगों ने ढेर सारी बातें की है, वो बस अपने लिए कोई चीज लेने के लिए गई है। जहाँ लूसीफर मुड़ के देखता है तो वहाँ से बकेट गायब होती है, यानी कि इस लड़की ने तो लूसीफर को भी पागल बना दिया। इस बात पे अब डैन हंसता है कि तुम मुझ पे हंस रहे थे ना, इस लड़की ने तो तुम्हें भी पागल बना दिया। जहाँ लूसीफर अपनी कार की चाबी ढूंढता है, वहीं डैन अपना बैच ढूंढता है, जहाँ पे बकेट लूसीफर की कार भी ले जाती है और इसी के साथ डैन का पुलिस वाला बैच भी ले जाती है। लूसीफर कहता है अच्छी बात ये हुई कि तुम्हारा फोन वापस मिल गया, लेकिन फोन के अंदर बकेट एक मैसेज छोड़ के गई थी जिसमें इन दोनों के लिए लूजर्स लिखा था। यहाँ एला और क्लोई मिलके उस फुटेज को चेक कर रहे थे जो कि डॉक्टर बैथ के घर के बाहर और उनके ऑफिस के बाहर मिल सकते थे। उस कैमरे फुटेज के अंदर एक कार के बारे में पता चलता है जो कि दोनों जगहों पे ही सेम दिखाई दी। एला बताती है कि उस झाड़ू के ऊपर कुछ खास फिंगरप्रिंट तो नहीं मिले हैं क्योंकि उसके ऊपर चौक लगी हुई थी। उस गाड़ी के ऊपर जिस तरीके का निशान था वो किसी स्कूल का निशान था और इसी स्कूल के अंदर फिलिक्स पढ़ता था। जब इस स्कूल के म्यूजिक टीचर के बारे में चेक किया गया तो ये उन्हीं की गाड़ी निकलती है, जिसके बाद इन्हीं म्यूजिक टीचर को यहाँ पुलिस स्टेशन में ले आया गया था। ये बोलते हैं कि मैं डॉक्टर बैथ को कभी मारना नहीं चाहता था, फिलिक्स को वायलिन बजाना बहुत पसंद था, इसी कारण डॉक्टर बैथ चाहती थी कि उसकी होम ट्यूशंस लग जाए, अगर फिलिक्स की होम ट्यूशंस लग जाती तो मेरी नौकरी चली जाती, इसी कारण मैंने उनको रिश्वत दी थी और मैं वहाँ से अपना ही चेक लेने गया था कि कहीं उस चेक से आप लोग मुझे ही ना पकड़ लें। यहाँ क्लोई एला को कहती है कि अभी तक डैन को तो पहुँच
जाना चाहिए था बकेट को लेके पुलिस स्टेशन, आखिर वो कहाँ रह गया। इधर डैन लूसीफर की कार के पीछे भाग रहा था जिसके अंदर बकेट बैठी थी। तभी यहाँ पे डैन के पास में कॉल आता है क्लोई का, जो कि डैन को बताती है कि बकेट एक सस्पेक्ट हो सकती है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही वहाँ पे थी। जिसके बाद में डैन लूसीफर के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि वो इस क्राइम की सस्पेक्ट है तो हमें उसे पकड़ना ही पड़ेगा। जिसके बाद में लूसीफर डैन को कहता है कि इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आखिर इंसानों को पकड़ने के लिए हमारे पास बाउंटी हंटर है। जो यहाँ लूसीफर का मतलब मेज से था। हालांकि जिस तरीके का हमें लास्ट एपिसोड दिखाया गया था उसके अकॉर्डिंग तो मेज को काफी ज्यादा इंजर्ड होना चाहिए था, लेकिन मेज तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही थी। खैर जाने दीजिए, इसके बारे में मैं आपको एपिसोड के लास्ट में बताऊंगी। यहाँ मेज इन दोनों के ऊपर हंसती है और कहती है कि एक छोटी सी बच्ची तुम दोनों को पागल बना के चली गई, आखिर मुझे तो उस बच्ची से मिलना ही पड़ेगा। जहाँ मेज लूसीफर और डैन को लेके लक्स में पहुँचती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि बकेट लक्स के अंदर जाके फ्री की ड्रिंक्स मांगती है, जहाँ बकेट कहती है कि इस बिल का अमाउंट जोड़ देना लूसीफर के खाते में। जिसके बाद में डैन अब उसे पकड़ ही लेता है और कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक सस्पेक्ट हो। जिसके बाद बकेट कहती है कि मैंने वहाँ पे किसी का मर्डर नहीं किया है, बल्कि मेरे पहुँचने से पहले ही वहाँ पे बैथ मर चुकी थी। इसके बाद में लूसीफर यहाँ क्लोई को कॉल करता है और कहता है कि बकेट तो हमारे पास में है, हम उसे लेके आ ही रहे हैं, लेकिन उसने किसी का मर्डर नहीं किया है, बल्कि वो जब पहुँची थी उससे पहले ही बैथ मर चुकी थी और उसने इसका प्रूफ भी दिया है कि वो अपनी क्लासेस में ही थी। यहाँ डैन लूसीफर को कहता है कि मैंने क्लोई को सब कुछ सच नहीं बताया है, नहीं तो वो लोग हम पे हंसते। यहाँ एला और क्लोई बैठ के बात करते हैं कि बकेट का रोना इतना भी जाया नहीं गया। बकेट इसलिए रो रही थी क्योंकि डॉक्टर बैथ के लैब के अंदर एक ऐसा परफ्यूम था जिससे कि बकेट को एलर्जी थी, इसी कारण बकेट वहाँ क्राइम सीन पे रो रही थी। यहाँ एला और क्लोई को पता चल चुका था कि आखिर इनका नया सस्पेक्ट कौन है। जहाँ एला क्लोई को बोलती है कि तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। जब क्लोई वहाँ से चली जाती है तो एला रेरे को बोलती है कि आखिर तुम मेरी लाइफ से कब जाओगी, तो रेरे बोलती है कि मैं बहुत ही जल्द चली जाऊंगी। एला उसे एक गार्डियन एंजल भी मानती थी पहले के टाइम में। यहाँ एला को एक कंस्ट्रक्शन वाला गार्बेज मिल जाता है। दूसरी तरफ क्लोई पहुँच जाती है फिलिक्स के मॉम के पास में और उनसे इसी परफ्यूम के बारे में पूछती है कि आपने काफी अच्छा फ्रेग्रेंस लगा रखा है। यहाँ फिलिक्स की मॉम बताती है कि डॉक्टर बैथ बहुत ही अच्छी थी और वो फिलिक्स से काफी ज्यादा क्लोज भी थी। फिलिक्स को वायलिन बजाना इतना पसंद था कि वो हर टाइम अपने पास में रखता है, चाहे वो सोता हो चाहे जगता हो। तो याद आता है कि फिलिक्स के डैड एंथनी ने तो बोला था कि फिलिक्स अपना वायलिन भूल गया है। जब अगर फिलिक्स वायलिन से इतना प्यार करता है तो वो आखिर भूल ही कैसे सकता है। जिसके बाद में यहाँ इनकी क्लासेस से रिलेटेड भी बात आती है तो फिलिक्स की मॉम बताती है कि मुझे तो फिलिक्स के डैड ने सिर्फ यही बताया है कि वो वायलिन के साथ में और क्लासेस भी करना चाहता है। जहाँ एला इस गार्बेज के अंदर मर्डर वेपन ढूंढ रही थी कि कोई भी इंसान किसी को मारने के बाद उस मर्डर वेपन को अपनी गार्बेज में तो नहीं फेंकेगा, बल्कि पड़ोसियों का गार्बेज बेस्ट होगा। और तभी यहाँ पे निकल के आता है एंथनी और वो एला के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ एला उसे समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन तभी यहाँ पे क्लोई पहुँच जाती है और एंथनी को कहती है कि हमें सब कुछ पता चल चुका है। एंथनी बोलता है कि फिलिक्स पागल हो चुका था, वो इतना ज्यादा वायलिन बचाता था कि हम लोग परेशान हो चुके थे, वो एक नॉर्मल बच्चा था ही नहीं। जिसके बाद में एला कहती है कि तुम्हारा बच्चा नॉर्मल नहीं बल्कि स्पेशल था, बहुत सारे बच्चों में तो ये टैलेंट होता भी नहीं है, आखिर तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए था इस चीज को। यहाँ दूसरी तरफ अब एंथनी को अरेस्ट कर लिया गया था, वहीं अब एला क्लोई को हिम्मत करके वही बात कहती है जिससे वो डर रही थी। वो क्लोई को कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि भूत है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखती है, वो एक तरीके से मेरी गार्डियन एंजल है जिससे मैं बात किया करती हूँ। एला क्लोई को कहती है कि तुम मुझे जरूर पागल समझोगी, तो क्लोई कहती है कि तुम विश्वास भी नहीं करोगी कि मैंने किन किन चीजों को देखा है, उन चीजों को जिसके ऊपर मैं बिलीव भी नहीं करती थी। इस चीज से हमें पता चलता है कि क्लोई यहाँ पे लूसीफर की बात कर रही थी, यानी कि उसने अपनी आंखों से डेविल को देखा है। यहाँ क्लोई एला को गले लगाती है और कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जिसके बाद में एला ब्रेरे को यही चीज कहती है कि तुम सच कह रही थी, मेरे दोस्त वर्ल्ड के बेस्ट दोस्त हैं, वो मेरे ऊपर बिलीव करते हैं। यहाँ रेरे कहती है कि मेरा भी अब एक काम खत्म हो चुका है, जिसके बाद में अब मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आया करूंगी और हमेशा तुम्हारा ध्यान भी रखूंगी। यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर लूसीफर ने एक पोस्टर छपवाया था जिसके अंदर डैन की रोलर कोस्टर वाली वही पिक्चर थी जिसके अंदर डैन काफी ज्यादा डरा हुआ था। लूसीफर ने डैन को चिढ़ाने के लिए किया था। जिसके बाद में एला लूसीफर को बाय करते टाइम एक ऐसा वर्ड बोलती है जिसे लूसीफर पूछता है कि तुम ये लाइन कब से कहने लग गई, तो एला कहती है कि ये लाइन मैं नहीं बल्कि मेरी एक फ्रेंड है रेरे वही कहा करती है। ये चीज सुन के लूसीफर की आंखें खुली रह जाती है। लूसीफर जब लक्स में पहुंचता है तो जोर जोर से आवाजें देने लगता है, मुझे पता है कि तुम यहीं पे हो तो बाहर निकल के आओ। जिसके बाद लूसीफर को दिखाई देती है उसकी एंजल सिस्टर जिसका नाम था एज़रियल। गाइस हम सभी लोग जानते हैं एज़रियल के ब्लेड के बारे में, तो दोस्तों यही वो सिस्टर है जिसके पास में ब्लेड था और इसी के साथ इसे एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता था। लूसीफर एज़रियल से मिलके गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम आखिर यहाँ पे इतने सालों बाद में क्या लेने के लिए आई हो, तुम सब लोग तो मुझे भूल गए थे। जहाँ एज़रियल बोलती है कि लू कि तुम मेरे सबसे अच्छे भाई हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद किया करती थी,
थी, लेकिन तुमने भी तो कुछ अच्छा काम नहीं किया, तुमने भी तो डैड से बगावत की। तुम्हारे जाने के बाद में हेवन में बहुत ज्यादा हलचल हो गई थी और मेरे पास में काम भी तो इतना ज्यादा था, एंजल ऑफ डेथ हूँ आखिरकार मैं। लूसीफर की नाराजगी जायज थी क्योंकि किसी एक भी भाई बहन ने आके लूसीफर के बारे में नहीं पूछताछ की थी। यहाँ लूसीफर एज़राइल से पूछता है कि तुम एला को कैसे जानती हो, जहाँ एज़राइल बोलती है कि आज से काफी सालों पहले जब एला छोटी थी, 5 साल की बच्ची थी, तो उसका बहुत बुरा कार एक्सीडेंट हुआ था जिसकी सोल लेने के लिए मुझे भेजा गया था, लेकिन मैं वो नहीं ला पाई और तब से बस मैं उसी के साथ में हूँ। यहाँ पे मैं हमेशा मरे हुए लोगों से मिलती हूँ, लेकिन एला उन सब में से अलग है, इसी कारण मैं हमेशा से उसके साथ थी और एक यही कारण था कि मैं उसे तुम्हारी लाइफ में लेके आई। ये सुनते ही लूसीफर को फिर गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि तुम सब लोग आखिर क्या चाहते हो कि मेरी लाइफ में लड़कियों की कमी है, पहले गॉड मेरी लाइफ में क्लोई को लेके आए और उसके बाद में तुम मेरी लाइफ में एला को लेके आई। तो एज़राइल बोलती है कि तुम दोनों मेरे फेवरेट पर्सन हो, तुम भी और एला भी, इसी कारण मैं चाहती थी कि मैं अगर तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँ तो तुम दोनों तो एटलीस्ट एक दूसरे के साथ रहो। जिसके बाद में लूसीफर कहना चाहता था कि मेरा ऐसा करने का कोई मन नहीं है, ये काम तुम खुद से संभालो, लेकिन लूसीफर जब तक ये कह पाता तब तक एज़राइल वहाँ से चली गई थी। तभी यहाँ पे लूसीफर इन चीजों को समझ चुका था और वो एला के पास पहुँच जाता है। एला यहाँ पे उसे कुछ साइंटिफिक चीजें बता रही थी तो एला को लगता है कि लूसीफर शायद बोर हो जाएगा, लेकिन लूसीफर कहता है कि नहीं नहीं तुम मुझे बताओ, मुझे अच्छा लग रहा है। एला लूसीफर की इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे हर चीज बताने लग जाती है। यही चीज दूर से खड़ी होकर एज़राइल देख रही थी, यानी कि जिस कारण वो अर्थ पे आई थी वो काम पूरा हो चुका था, यानी कि लूसीफर भी एला का अब ध्यान रखे। और इसी के साथ गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वैसे तो गाइज इस एपिसोड को थोड़ा सा रिलेटेबल होना चाहिए था लास्ट एपिसोड से, यानी कि क्लोई का रिएक्शन हम लोगों को दिखना चाहिए था इस एपिसोड में और इसी के साथ लास्ट एपिसोड से इसकी कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए थी, लेकिन ये सारी चीजें गाइज आपको आगे के एपिसोड्स में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।